कैसा देख रही है इस लड़ाई को, मुख्यमंत्री के बेटे के सामने लड़ रही है आप? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है मुख्यमंत्री का बेटा हो या कोई हो, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तब वो कोई नहीं था, एक कार्यकर्ता भी नहीं था शिवसेना का, वो कुछ भी नहीं था, तभी भी उनको बनाया खासदार, शिवसैनिकों ने बनाया, शिवसेना ने बनाया, उद्धव साहब ने बनाया। देखिए आपने अभी बातों बात में तो बता दिया कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत में आई हुई शिवसेना, यानी अभी जो बीच में चला ना असली और नकली, तो कौन है असली और कौन है नकली ये तो पता है लोगों को। डोमिली से सुबह चढ़ते हैं और मुमरा में 10 बजे के बाद चढ़ते हैं, तो वैसे वो टाइम स्लॉट चेंज करते हैं कि भाई यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे देना चाहिए, मुमरा में हॉल्ट देना चाहिए, तो मुमरा के लोग 10 बजे के बाद जाने वाले, तो सबके लिए हो जाएगा ये प्रॉब्लम, हो सकता है सॉल्व। और ये इनके पास सब डाटा है भी, लेकिन ये देख नहीं रहे, इनके पास सब डाटा कि कितने लोग चढ़ रहे, कितनी आमदनी हो रही, इनके पास सब तैयार है, फिर भी क्या चल रहा है ना, मैंने यही बोला ना, ये क्या जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लोग कीड़े मकोड़े जैसे गिर रहे तो गिर रहे, चढ़ रहे तो चढ़ रहे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के लोकसभा चुनाव का अंतिम पांचवा चरण और इस पांचवें चरण की सबसे बेहद महत्वपूर्ण सीट कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे मौजूदा सांसद पिछले 2 टर्म के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, इनके मुकाबले में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष के उम्मीदवार वैशाली राणे दरेकर आज हमारे साथ में है। सबसे पहले एक यहाँ पर तमाम लोगों को मैं बात बता दूं कि काफी कुछ अफवाहें फैलाने का काम किया गया, खास करके जहां जहां इंडिया अलायंस का माहौल दिखाई दिया, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के फेवर वाली बात दिखाई दी, तो वहां पर बहुत सारी अफवाहों का काम लिया गया। जैसे सबसे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की इंडिया अलायंस के उम्मीदवार वैशाली राणे दरेकर, इनके बारे में सबसे पहली एक मोबरा कौसा में जो अफवाह फैलाई गई कि ये डमी उम्मीदवार है, हालांकि उन्होंने इस पर कई बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तानी रिपोर्टर से पहली बार बातचीत हो रही है तो इसलिए हमने इसका जिक्र करना यहाँ पर जरूरी समझा है कि मोबरा कौसा, कलवा, कल्याण, उल्लासनगर, यहाँ तक के तमाम जितने भी मतदाता है, जितने भी नागरिक है, इस बात को अच्छे से समझ ले कि ये महज एक अफवाह है। तो आइए बात करते हैं वैशाली दरेकर जी से। वैशाली जी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपने सुना कि मैंने जो प्रस्तावना रखी, जो भूमिका रखी कि डमी डमी कहकर बड़ा आपको प्रचार किया गया, तो उसके लिए फिर एक बार क्या जवाब देना चाहिए आप? अभी शायद वोटिंग के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे, 20 तारीख को है, अभी भी अगर लगता है सबको डमी उम्मीदवार है तो मैं क्या कह सकती हूँ। और जिस दिन उद्धव साहब ने 3 अप्रैल को सबके सामने मेरा नाम लिया, उसी दिन वो खुलासा हो गया था कि डमी उम्मीदवार का कोई नाम ऐसे लेता नहीं है। और जिस दिन मैंने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म भरा, उस दिन जितनी बड़ी रैली निकली थी, वो सब आने वाले वहाँ पे जो लोग आए थे सारे पक्ष के थे, यानी इंडिया अलायंस के सब थे, कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, बहुत सारी पार्टीज के लोग थे वहाँ पे, और वो खुद के मन से वहाँ पे आए हुए थे, किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने पैसा देके लोगों को नहीं बुलाया था, सब वो कड़ी धूप में चल रहे थे। तो जब ये नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए इतने सारे लोग आते हैं, मन से आते हैं, तो वो नॉमिनेशन फॉर्म डमी उम्मीदवार का तो कदापि नहीं हो सकता। किस तरह से मान लीजिए आपकी लड़ाई जो है धन बल के साथ में भी है, बाहुबल के साथ में भी है, कैसा देख रही है इस लड़ाई को, मुख्यमंत्री के बेटे के सामने लड़ रही है आप? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है मुख्यमंत्री का बेटा हो या कोई हो, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तब वो कोई नहीं था, एक कार्यकर्ता भी नहीं था शिवसेना का, फिर भी सब शिवसैनिकों ने काम किया, उनका उनके लिए लड़े, जगह जगह पर जाके उनका प्रचार किया, सब लोगों को बताया, तभी वो जीत के आए। सेकेंड टाइम 19 को भी उनका प्रचार सबने किया, तभी वो जीत के आए। तो यानी वो कुछ भी नहीं था, तभी भी उनको बनाया खासदार, शिवसैनिकों ने बनाया, शिवसेना ने बनाया, उद्धव साहब ने बनाया, तो इस बार भी खासदार उद्धव साहब का ही बनने वाला है, और वो है मशाल। मैडम, शिवसेना का एक इंटैक्ट वोट होता है, उसका वोटर बड़ा कमिटेड होता है, वो कभी हिलता नहीं है,
या फिर के सारे चुनावों के इतिहासों से सामने आया है। लेकिन अब की बार दो शिवसेना हो गई है, मुख्यमंत्री शिंदे बता रहे अपनी शिवसेना और एक बालासाहेब ठाकरे की विरासत लेकर के चलने वाली उद्धव ठाकरे इनकी शिवसेना। तो आपको क्या लगता है वोटों का बंटवारा कैसे हो सकता है, उसमें आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्या देख रहे हैं? देखिए आपने अभी बातों बात में तो बता दिया कि बालासाहेब ठाकरे की विरासत में आई हुई शिवसेना, यानी अभी जो बीच में चला ना असली और नकली, तो कौन है असली और कौन है नकली ये तो पता है लोगों को। उनको भी जो वोट मिले थे लास्ट टाइम में 19 में कुछ 5.5 लाख वोट हुए थे, वो शिवसेना की वोट थी, तो वो पूरे वोट शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे के वो पुत्र है। और ये बात भी सच है कि अभी इस बार इंडिया अलायंस है, लोगों का कहना है अलग है, अभी इस बार का जो इलेक्शन है वही अलग किस्म का इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं अपना गणतंत्र रहना चाहिए, लोकशाही रहनी चाहिए, कहीं पे तानाशाही आनी नहीं चाहिए, अपना जो देश है वो एक संग रहना चाहिए। इस हिसाब से ये इलेक्शन थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं सोचती हूँ जो लोग मिल रहे हैं हम लोग को, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सब बोल रहे हैं मशाल, उन लोग को पता है मशाल कोई देने वाले। मैडम इलेक्शन बहुत अलग किस्म का है, संविधान बचाने की भी लड़ाई से कहा जा रहा है, देश के लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई कहा जा रहा है, ये लड़ाई तो चली रही है एक तरह से, इसे आम आदमी विरुद्ध भाजपा लड़ाई या आम आदमी के विरुद्ध मोदी के खिलाफ की लड़ाई ऐसा भी कहा जा रहा है। ये सब बातें राष्ट्रीय स्तर की है, अपनी जगह है, फिर भी अगर आप जीत जाती है मतदाता आपको जिता देते हैं, जैसे मोगरा कौसा में हम देखते हैं जमीनी स्तर पर कि आपको लेकर के आपके चुनाव चिन्ह मशाल को लेकर शिवसेना को लेकर काफी लोगों में जो है उत्साह भी है और लोग काफी जो है 20 तारीख का इंतजार भी कर रहे हैं। फिर भी कल्याण लोकसभा क्षेत्र की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो जीतने के बाद आप उन पर काम करना चाहेंगे? मैं एक महीना हुआ घूम रही देख रही, प्रायोरिटी वाइज देखा जाए ना तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा मैं एक औरत हूँ करके मैंने देखा है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या, बहुत ही बहुत बड़ी समस्या, यानी ये जो अपना पूरी 6 विधानसभा है वो ऐसी बटी हुई है कि एक जगह पे TMC है, आई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक जगह पे KDMC है, एक जगह पे उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, एक जगह पे अंबरनाथ कॉरपोरेशन है म्यूनसिपलिटी नगर परिषद, और एक जगह पे ग्रामीण भाग जहाँ पे ग्राम पंचायत हो सके, लेकिन सभी जगह पे कॉमन है कि ये पानी का प्रॉब्लम, यानी उस हिसाब से कभी देखा ही नहीं गया। क्या है 12वीं डैम है, 12वीं डैम से पानी आ रहा है, 12वीं डैम की हाइट बढ़ानी चाहिए, कितनी बढ़ानी चाहिए, कितनी बढ़ा सकते हैं, कितनी लोक संख्या या पॉपुलेशन बढ़ रहा है अपने एरिया में, नए नए कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं वहाँ पे, नए लोग रहने को आ रहे हैं, इस हिसाब से पानी का नियोजन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा, यानी जो डैम है वो और एक डैम होना चाहिए तभी ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जो गांव का एरिया है वहाँ पे कहीं पे तालाब होने चाहिए जिस वजह से वहाँ पे पानी मिल सकता है लोगों को, इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। ध्यान किस पे दिया गया है मालूम है? रस्तों पर दिया गया, कॉन्क्रीट के रस्ते, वो भी कैसे किए, जितना रोड है वहाँ पे कॉन्क्रीट डाल दिया, रोड खत्म, बाद में वाइडनिंग किया नहीं, साइड का जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है वो बनाया नहीं, फुटपाथ नहीं बनाया, जो हाईवेज है वहाँ पे सर्विस रोड नहीं बनाया, बस हम लोगों ने काम किया करके रोड बना दिए और अभी वो रोड भी खोद रहे हैं। वो अलग सी बात है, वो अलग होगा आपका शायद सवाल, लेकिन अभी मैंने बताया पानी का प्रॉब्लम, सेकेंड है हाइजीन, जो अपना आरोग्य बोल रहे हैं स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में, तो स्वास्थ्य के बारे में बोलने के मैंने देखा है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में गवर्नमेंट का एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक कोई डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिर भी इनको ऐसे नहीं लगा कि एक अच्छा अस्पताल हो और उस अस्पताल की लोगों को जो जरूरतमंद है वो वहाँ पे आए। अभी डोमिली में है शास्त्री नगर, लेकिन उसमें कभी साथ ने काट दिया या कुत्ते ने भी काट दिया तो रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलता, ये हालत डोमिली के हॉस्पिटल की। वो तो बड़े विकास के दावे करते हैं, बड़े काम के दावे करते हैं, उनके दावे से पोस्टर पे जो होर्डिंग है ना, क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो वो होर्डिंग लगा रहे हैं बड़े बड़े, उस होर्डिंग पे उन्होंने बहुत अच्छे एकदम
फिनिश करके फोटो लगाए कि ये काम किया, वो प्रस्तावित है, ज्यादा उनके काम है प्रस्तावित है। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, आपकी इस चैनल के माध्यम से मुंद्रा वासियों को सबको समझ में आ जाएगी। मुख्यमंत्री जो है अभी के, उन्होंने एक गांव दत्तक लिया, वाकलन करके हम लोग उस गांव में गए। उसमें एक तालाब है, तालाब बहुत अच्छा है। एक ही बार तालाब उन्होंने साफ किया था और वो साफ करने के बाद आज तक वहां पे वो गए नहीं, वापस दोबारा पलट के नहीं दोबारा गए नहीं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तालाब है फिर भी पानी की समस्या है। वहां पे कुछ औरतें आई थी, हमने देखा कपड़े धो रही है, हमने उन्हें फोटो भी खींचा। हमने उससे पूछा कि आप यहाँ पे कपड़े क्यों धो रही है, घर पे पानी नहीं? बोले पानी नहीं आ रहा इसलिए यहाँ पे धो रही है। तो वो टाइम था 5 बजे था शायद शाम के, तो मैंने पूछा अभी शाम को धो रही? हम लोगों ने टाइम स्लॉट लिया है, सुबह कोई आएगा, दोपहर को कोई आएगा, उसके बाद कोई आएगा और शाम को आएगा, क्योंकि गांव की महिलाओं ने टाइम बांट लिया। हाँ बांट लिया, अच्छा। क्योंकि सब आके नहीं धो सकते ना, लेकिन उस तालाब में जो पानी वहीं पे ठहरा हुआ है वहीं पे वो कपड़े धो रही है, कितना हाइजीन के लिए खराब रहेगा। बिल्कुल उसी पानी में से वो कपड़े लेके घर पे जाएंगे, वही इस्तेमाल करेंगे, यानी उनके हाइजीन का कुछ ख्याल ही नहीं है। वहाँ पे एक भी आरोग्य सेवा केंद्र नहीं है, वहाँ पे एक भी छोटा भी नहीं। पानी की समस्या तो है ही है वहाँ पे, अगर कोई बीमार गिर गया तो उसको रिक्शा में नहीं तो किसी की प्राइवेट कार में या गाड़ी में लेके लाना पड़ेगा कल्याण, नहीं तो डोंबिवली। वहाँ पे कोई इलाज का केंद्र नहीं है और खासदार है, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 10 साल तक ये वहाँ पे, इनको सोचना चाहिए एक छोटा का छोटा भी हो लेकिन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बनवाया नहीं। आज भी लोग ऐसे के ऐसे, यानी बोल रहे ना भगवान के भरोसे या बोलो या अल्लाह के भरोसे बोलो, काम चल राम भरोसे बोलो, काम चल रहा है, लोग जिंदा रह रहे हैं उसके भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, यानी इतनी बहुत बड़ी समस्या है। अभी आते हैं हम लोग अपने रेलवे की तरफ, क्योंकि अपनी तो लेने जाने वाले तो वही है, वही है सबसे महत्वपूर्ण, वही है। हम लोग सब तो जुड़े है, यहाँ से निकल के मुंबई जा रहे है। जो मैंने देखी उन्होंने क्या बताया, जो होर्डिंग बोला ना, पांचवी और छठी मार्गी का जो डाली है, पटरी डाली है, उसकी वजह से रेलवे का क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, वो कुछ कितनी बार जाते हैं पता नहीं। मैं तो जाती हूँ, अच्छा। बहुत बार जाती हूँ मुंबई जाने का, तो रेलवे ही अपने लिए अच्छी रहती है। आप पहली नूरबाग की सभा में भी रेलवे से ही आई थी? हाँ, क्योंकि वो कन्वीनियंट भी है और जल्दी पहुँचा देती है अपने रोड के मुकाबले। तो रेलवे से उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बड़ी नहीं, क्राउड भी कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों पहले 2 बच्चे गिर गए और बेचारे मर भी गए, उनके घर में क्या हालत है हम देख रहे हैं, क्योंकि वही कमाने वाले थे। बहुत बुरा लगता है जब ऐसे कोई यंगस्टर्स गिरता है, क्यों गिरते हैं, क्यों चढ़ते हैं? हम लोग बाहर से बोल सकते हैं अरे इतनी गर्दी में क्यों चढ़े, चढ़ना नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या पता उनको मसल सहन करना पड़ता है रोज रोज, अगर देर का लग गया तो उनको ही उनका पगार कट जाएगा, कट जाएगा, जॉब खतरे में हो जाएगी, बोलेगी तू आई मत, इनको क्या बोलने को जाता है कि तू इतनी भीड़ में मत जा करके, क्योंकि आप अगर ट्रेन टाइम पे नहीं छोड़ोगे, ट्रेन टाइम से नहीं जाएगी तो उनके ही जॉब पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों देरी से चल रही है, क्योंकि क्या होता है, ये बोल रहे ना वंदे भारत ट्रेन अच्छी है, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब वंदे भारत निकलती है तो बाकी सारी ट्रेनों को रुका दिया और वो रुकती है, जब ये पास हो जाएगी तो वो निकलती है। और अपने मुंबई में क्या है, एक ट्रेन अगर देरी से आ गई तो कितनी भीड़ जमा होगी प्लेटफॉर्म पे, किसी को बुला के वहाँ पे छोड़ दो, कली का देख लीजिए ना, हाँ कितनी भीड़ हो जाती है, कली एक बारिश के बूंद क्या गिरी चार इनकी ट्रेन रुक गई, जो रोज मेगा ब्लॉक लगे क्या करते, सिर्फ वो खड़ी निकाल दे, करते क्या है काम, और ऐसे ट्रेन बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे आप, मेगा ब्लॉक में ये लोग क्या काम करते हैं, कभी पटरी चेंज की है आपने, कभी देखा है कि कहीं कहीं पे जगह पे ट्रेन ज्यादा जोर से नहीं जाती, क्यों नहीं जाती है, क्योंकि वो पटरी वहां खराब है और बहुत आवाज होता है और बाउंस भी होती है, तो यानी पटरी खराब है,
अगर ट्रेन जोर से जाएगी तो कभी टूट भी सकती है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यानी ये सब अपना ऊपर वाले के भरोसे पे चल रहा है। लोगों से पैसे तो जाते हैं, पासेस के पैसे जाते हैं, टिकट के पैसे जाते हैं। सबसे ज्यादा आमदनी तो मुंबई से हो रही है ट्रेन को, सबसे ज्यादा सब हम ही लोग रोज ट्रैवल करते हैं। इतना होने के बावजूद भी मुंबई की ट्रेन को कुछ भी नहीं है। ये सब समस्या ऐसी मेगा ब्लॉक लेके भी अगर एक ट्रेन का कल आपने देख लिया कैसे रुक गई, स्पार्क हो गया, तो आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे कैसे हो सकता है, ये कर क्यों नहीं देखा। मेगा ब्लॉक ले रहे हो ना, तो करना चाहिए। यानी इनका क्या है, चल रहा है तो चल रहा है, ट्रेन की किराम देखते नहीं है। अभी मुमरा से ट्रेन नहीं निकलती है। मुमरा के लोग मुझे मिले, उन्होंने बोला कि हम लोग को भी हमारे खुद की लोकल चाहिए जो मुमरा से होके जाएगी, लेकिन अभी मुमरा पे जगह बची है खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की, शायद नहीं। तो ये कौन देखेगा, ये किसने देखना चाहिए था कि मुमरा का एक खुद का होम प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, जहाँ पे मुमरा से ट्रेन दो तो निकलती, एक तो निकलती, लोग तो बैठते हैं वहाँ पे मुमरा से, नहीं निकली। दीवा में भी जगह नहीं बची होम प्लेटफॉर्म के लिए। ये कर क्या रहा है, यानी कहाँ, दीवा तो जंक्शन है फिर भी नहीं है सुधरा वहाँ पे। एक वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, जब कहीं पे कोई उतरता है, अभी बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट, बहुत सारे हम लोग बोल रहे हैं पेशेंट हैं, उनको कभी कभी जाना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं घर में आते, फिर और बीमारी बढ़ेगी, किडनी के पेशेंट बढ़ेगी। मैडम दीवा और मुमरा यहाँ के डेली लोकल कम्यूटर्स जो है उनकी एक जैसी ही प्रॉब्लम है, फास्ट ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, दोनों तरफ से जो है कामकाजी जो तबका है जो सुबह उठता है 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक का, इनका जो है भगदड़ वाला एकदम मामला रहता है। लेकिन बार बार बोलने के बावजूद मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन ने ये 5वीं 6वीं लाइन तो डाल दी, लेकिन दीवा और मुमरा के, मुमरा से आपको बता दूं कि सेंट्रल रेलवे जो है एक बहुत बड़ी आमदनी हर महीने करता है, उतनी ही दीवा से भी करता है, लेकिन दीवा के मुकाबले वो मुमरा की आमदनी से, उसके बावजूद जो है हॉल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो इस दिशा में क्या कदम रहेगा फिर आपका? वही मैंने देखा है, क्योंकि अगर एक हॉल्ट कभी फास्ट ट्रेन को दीवा में मिलता है, चढ़ने को कहाँ जगह है, चढ़ने को जगह नहीं है, क्योंकि वो पूरी भरी हुई फुल आ रही है, यहाँ पे चढ़ने को जगह नहीं है। ऐसे भी होना चाहिए कि सुबह के टाइम पे ऐसे भी ट्रेन छोड़ो कि जो मुमरा में और दीवा में हॉल्ट ले और वो खाली भी हो, तभी वो चढ़ेंगे लोग, नहीं तो कहाँ से चढ़ेंगे। अगर हॉल्ट में दे दिया, लोगों को अगर जगह ही नहीं है तो वो प्लेटफॉर्म में खड़े रहेंगे, तो ये तो गलत बात है। मेरा तो यही कहना है कि एक या दो, यानी स्टार्टिंग में वहीं से ट्रेन छूटनी चाहिए होम प्लेटफॉर्म में, ऐसे कुछ होना चाहिए। और अगर फास्ट ट्रेन करनी है तो थोड़ा देख के कि कितना देरी से कैसी भीड़ होती है और कितने लोग चढ़ते हैं, कौन से टाइम पे चढ़ते हैं। अगर डोमिली से सुबह चढ़ते हैं और मुमरा में 10 बजे के बाद चढ़ते हैं, तो वैसे वो टाइम स्लॉट चेंज करते हैं कि भाई यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे देना चाहिए, मुमरा में हॉल्ट देना चाहिए, तो मुमरा के लोग 10 बजे के बाद जाने वाले, तो सबके लिए हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व। और ये इनके पास सब डाटा है भी, लेकिन ये देख नहीं रहे। इनके पास सब डाटा है कि कितने लोग चढ़ रहे, कितनी आमदनी हो रही, इनके पास सब तैयार है, फिर भी क्या चल रहा है ना। मैंने यही बोला ना, ये क्या, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। लोग कीड़े मकोड़े जैसे गिर रहे हैं तो गिर रहे, चढ़ रहे तो चढ़ रहे, भगवान के भरोसे चल रहा है काम, ऐसे ही चल रहा है। तो ये आप टाइम शेड्यूलिंग की जो बात कर रही है, तो मौका मिलता है तो इस पर आपकी प्रायोरिटी? बिल्कुल, क्योंकि मैं यही की हूँ तो मेरा तो ध्यान रहेगा ही ना। और ट्रेन भी, ट्रेन से भी सफर करती, ट्रेन से सफर करती हूँ, और मैं भी आती जाती हूँ, मेरे सारे दोस्त आते जाते हैं, मेरे रिलेटिव आते जाते हैं, जैसे भिवंडी में टोरंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा पीछे कई सालों से, तो लगभग 4-5 सालों से मुमरा में भी जो है ये टोरंट कंपनी ला करके बिठा दी गई है, काफी लोग त्रस्त है, टोरंट के ऊपर मनमानी बिल भेजने का आरोप लगते हैं, तो मौका मिलता है तो फिर टोरंट के लिए क्या विचार है आपका? नहीं, मैंने देखा दीवा में कभी पता चला टोरंट कंपनी करते हैं वहाँ पे और बिल भी जब आ रहे, तो उन पे भी थोड़ा सा रोक लगा देनी चाहिए। रोक इसके लिए कि किस हिसाब से वो बिल लगा रहे हैं, कि
क्योंकि अगर ज्यादा कंजम्पशन है या नहीं है, वहाँ पे कोई चोरी की बिजली जा रही है या नहीं जा रही है, वो सब देख के उसमें थोड़ा पूरा रिसर्च करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी बोल के अच्छा नहीं रहेगा। हवा हवाई बातें करनी अच्छी बात नहीं, लोगों को ऐसे कुछ सपने दिखाना भी अच्छी बात नहीं है, तो फिर वो पूरा रिसर्च करके बाडी में बोलूंगी, लेकिन लोगों को दिलासा मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। यस, राहत मिलनी चाहिए। मैडम अब 20 तारीख को वोटिंग है, अपनी निशानी बताते हुए मोबरा कौसा के तमाम मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगी, आज मैं मोबरा कौसा घूम रही हूँ, 4-1 दिन हो गए सबसे मिल रही हूँ, और आज तो हमारे अनिल भाई ने और शाही ने मुझे लोगों में ऐसे रस्ते पे घुमाया और मिला है, तो वहाँ पे लोग खुद आके मुझे बोले कि इस बार तो मशाली चलेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ये मत करो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सब बोल रहे थे आ जाओ यहाँ पे हमारे ऑफिस में आ जाओ, 3-4 तो डॉक्टर्स मिली मुझे जो डेली डॉक्टर है, और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और खुद भी बोला कि इस बार मशाली चलेगी, हम लोग तो है, जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनको भी हम लोग बोल रहे हैं वी वॉन्ट टू चेंज, हम लोग को चेंज करना है, देश को बचाना है। जब एजुकेटेड लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुमरा कौसा में तो मशाली है, और मुमरा कौसा के साथ साथ पूरे कल्याण लोकसभा में मशाल जाएगी। तो अपील तो मैं अभी कर रही हूँ कि मुमरा कौसा के सब लोग और जो ये हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चैनल जो देख रहे हैं, उस माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग 20 तारीख को मशाल को ना भूलें, क्योंकि मशाल जब जलेगी तब देश में परिवर्तन होगा, और देश में परिवर्तन रहेगा तभी देश एक साथ रहेगा। इसी नोट पे मैं खत्म करती हूँ और सबको फिर से बोलती हूँ कि मेरा जो नाम है वो 2nd नंबर पे है, सो 2nd नंबर वी फॉर विक्ट्री एंड वोट फॉर मशाल। थैंक यू।